हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CU80 की जो काउंसलिंग हो रही थी वो एंड मोमेंट पे अभी आ चुकी है। लगातार जो है वो काउंसलिंग स्टॉपिंग फेज पे आ गई है अभी, और ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजों ने अपने जो एडमिशन्स है वो क्लोज कर दिए हैं। और जो स्टूडेंट ऐसे थे जो लगातार आस लगाए हुए थे एग्जामिनेशन की, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है फिर से नए सेशन में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है अपने नए सेशन के लिए, नए साल के लिए, और एक साल के लिए जो है ड्रॉप ले लिया है। हालांकि इसके अंदर कुछ एग्जामिनेशन कुछ यूनिवर्सिटी जैसी भी देखी गई है जिसके अंदर अभी भी कुछ सीटें वैकेंट है, साथ में उनका जो रेस्पॉन्स है स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है और स्टूडेंट उनके प्रति बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। मैं बात कर रहा हूँ एक कॉलेज विश्व भारती की, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानी जाती है एंड जिसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है। अगर अपन बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके थे, बच्चों ने रजिस्टर किया, काउंसलिंग के अंदर काउंसलिंग कंडक्ट हुई, लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की अगर बात की जाए तो दिस इज वेरी कंजस्टेड। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के भवन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा भवन हो, चाहे वो परीक्षा भवन हो, चाहे वो डॉट 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 एन भवन हो। स्टूडेंट की अगर परेशानियों की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट को वेबसाइट पे कुछ समझ नहीं आ रहा, वेबसाइट पे जो वर्ड लिखे गए हैं वो बहुत ही छोटे वर्ड में लिखे गए हैं, जिसके कारण स्टूडेंट को जो है समझने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो नॉर्मल नोटिस कुछ भी रिलीज नहीं किया जा रहा है जिससे कि कुछ समझ आ सके, स्पेसिफिक कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया गया कि इंटरनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट क्या होती है। जब बच्चे यूनिवर्सिटी को ईमेल डालते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आता है, बच्चे जब हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, और एंड मोमेंट पर यह पता चलता है कि आप जो यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो यार ये काफी गलत रहा है। ऐसे इश्यूज को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट की जो सीटें हैं वो छूट गई। पहले के अगर अपन फर्स्ट राउंड की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया, वहां पे लिखा गया था कि आपका नाम इंटरनल स्लाइडिंग इंटरनल मेरिट लिस्ट में आया है, आपका नाम एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट में आया है। हालांकि स्टूडेंट ये समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये इंटरनल मेरिट लिस्ट और एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट होती क्या है। उसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा ये कहा गया कि आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी, ऑनलाइन काउंसलिंग में कंडक्ट होने के बाद में जिन भी बच्चों का इंटरनल एक्सटर्नल जो भी जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल को यहाँ पे इस प्रकार से समझा जा सकता है, जिस प्रकार से एक बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होता है और एक बच्चों का वेटिंग लिस्ट में होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल को बनाया गया है। अगर कोई बच्चा किसी प्रतिष्ठित श्रेणी में बाहर होता है देन जो है जो इंटरनल वालों या एक्सटर्नल वालों को मौका दिया जाएगा, इस प्रकार से ये जो सारा का सारा प्रोग्राम चलता है। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो सारा क्रियाक्रम एंड काउंसलिंग चल रही थी जो कि बहुत ही गलत प्रोग्राम था, और इसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एंड आई डिसएग्री विद ओके एंड दिस इज ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट के साथ गलत हुआ। हालांकि यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली देखने को मिल रही है अभी भी, और लगातार काउंसलिंग के लिए नोटिस आते जा रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जल्द ही स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग नोटिस आए जिसके अंदर ओपन काउंसलिंग भी कंडक्ट किया जा सकता है, और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस इश्यूज की वजह से जिनकी जो सीटें चली गई है, अगर उनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन उनको अगर पता नहीं चला है कि भैया हमारा सिलेक्शन हुआ था, और यूनिवर्सिटी की ऐसी वेबसाइट ऐसे कंजस्टेड प्रोसेस के कारण अगर आपका भी सीट छूट चुका है, तो आप एक ही काम कर सकते हो, वो है रिक्वेस्ट। वो जो है आप वाइस चांसलर सर हो, चाहे वो एडमिशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हो। हो सकता है वो आपके लिए ओपन राउंड कंडक्ट कराए, स्पोर्ट राउंड कंडक्ट कराए, जिसके अंदर आपको जो है काफी आसानी हो सकती है आपके मनचाहे कॉलेज के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट काफी सारे कोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें अवेलेबल हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो पीजी प्रोग्राम एमएससी एंड अदर कोर्सेज के अंदर। तो आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। इसके साथ ही जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए हैं जहाँ पे भी आप जो है कॉन्टेक्ट ज्वाइन कर सकते हो उनको टू गेट द अपडेट
रिगार्डिंग द स्पोर्ट एडमिशन एंड जनरल काउंसिलिंग इन सीओईटी 2022 और भी आपको किस कॉलेज के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई भी कोई क्वारी हो तो कॉल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर दिया गया। थैंक यू सो मच।